फोकस नहीं कर रहा है, क्लस्टर्स के अंदर फ्रिंजेस की फाइट है शिया सुन्नी की। बिगर प्रॉब्लम्स ग्लोब के अंदर जो है वो चर्च को भी है, जुडेइक फिलॉसफी को भी और इस्लाम को भी है। मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं इस वक्त, और वो तीनों किसे सफर कर रहे हैं, तीनों मजहबों के रिलीजियस फैक्शंस को। असल मसला क्या है कि इफ वी प्रैक्टिस द सेइंग्स ऑफ सेंट पॉल, वी विल नॉट इवन बी एबल टू क्रॉस द स्ट्रीट। क्रिश्चियन चर्च भी अपने आप को यही डर के, नहीं नहीं यार ये नहीं चलेगा इधर, और यहूदी भी और मुसलमान भी। अब तीनों को वही बीमारी लगी हुई है जो जो कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ कि भाई साइंस को इस्लाम से डिवोर्स मत करें, वरना साइंस जितनी भी क्रेडिबिलिटी ऊपर लेके जाएगी इस्लाम नीचे जाना शुरू कर देगा। गौर से समझे हम हो क्या रहा है, वेट्स पता ना तराजू में वेट्स डालते हैं। साइंस को अगर आपने अलग किया तो जैसे ही फिजिक्स की जो भी एडवांसमेंट आप पढ़ेंगे, चाहे वो इलॉन मस्क का रॉकेट ही क्यों नहीं ऊपर जा रहा, नीचे इस्लाम लेके आ रहा हो, इस्लाम नीचे जाना शुरू कर देगा। खैर पलर में नीचे तो वजन ज़्यादा होता है, मैं ग्राफ में नीचे की बात कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज आपने एंटी इस्लामिक रिसेप्शन रखी हुई है साइंस की, इसलिए मैं कहता हूँ तसव्वुर अब्बास साहब को समझाएं कि इसको अलग मत करें। देर आर सो मैनी आयास, पहली आयत ही कुरान पाक की साइंस के अलावा एक्सप्लेन ही नहीं होती। खला खाला इंसान अमीन अलग क्या है, ये बायोलॉजी की आयत है, ये क्या सिखाते हैं हमारी पिछली नस्लें वाले के, साइंस अलग तो इस्लाम अलग। और यही ज्यूइश फिलॉसफी के अंदर भी, ज्यूइश रवायत भी ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता। अब ज़ाहिर तौरात में वो साइंस तो नहीं है ना, पांच किताबों में मैंने तो पढ़ी है ना, मैंने कई दफ़ा तौरात की पूरी रीडिस्कवरी कुरान पाक के एंगल से भी करने की कोशिश की है, हो ही नहीं सकती। और एक तो पहली बात तो यह कि इंसानी किताबें हो, अल्लाह की किताब की एंगल ही कुछ और, इंसानी किताब के एंगल ही कुछ और। मगर बुक ऑफ आइज़ाया एंड ज़करिया, बुक ऑफ जरमाया, इनके अंदर मुझे वो चीज़ें मिली हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिसने भी लिखी हैं वो नबियों से सीख जरूर रहा था, उसने वो बातें लिखी हैं कि जो कुरान पाक से पूरी तरीके से टैली करती है, कुरान पाक सर्टिफाई करता है इन चीज़ों को। ठीक है, आप कुरान पाक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा ना, सो इतनी सुपीरियर किताब है कुरान पाक कि जब आप कुरान पाक को एंगल देखते हैं, और साइंस की लेंस पहने या पॉलिटिक्स की पहने या जिसकी भी पहने, कुरान पाक हर एंगल से अपने आप को सोल्यूशन गिवर दे रहा है, सोल्यूशन गिवर। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, मुस्लिम्स आर सफरिंग फ्रॉम द इस्लामोफोबिया ऑफ शेम, ऑकवर्डनेस, कंपेरेटिव एक्विटी लॉस एंड हारमनी प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं लोगों में ना हम आंगिनी, मैं आई विल बी द ब्लैक शीप, द ऑड मैन आउट, किया तो मौलवी टाइप आदमी है, मुझे आइसोलेशन एलियनेट कर दिया जाएगा। ये होगा आपका, यही डर है आप सबको, रिश्ता नहीं।